लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें नेशनल बस और साथ ही दबाएं बेल आइकन। पंजाब सरकार की ओर से नशों के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम के तहत पठानकोट पुलिस के एसटीएफ शाखा को मिली एक बड़ी सफलता। पुलिस ने अबरोल नगर से एक युवक को 90 ग्राम हेरोइन सहित किया गिरफ्तार। इससे संबंधित जानकारी देते हुए एसटीएफ के प्रभारी भारत भूषण ने बताया कि पकड़ा गया युवक पठानकोट जिले के भारत पाकिस्तान सीमा के साथ लगते कस्बा नरोट जमल सिंह के पास रहने वाला था। ये पहले भी कई आपराधिक मामलों के तहत जेल में रहकर आया है। जेल के दौरान ही इसकी मुलाकात जम्मू कश्मीर के एक युवक के साथ हुई और जेल से बाहर आने के बाद दोनों ने आपस में संपर्क करके नशे की सप्लाई का काम शुरू कर दिया। सूत्रों से पुख्ता जानकारी मिलने के बाद इसे अबरोल नगर के पास के इलाके से पकड़ा गया था। 90 ग्राम हेरोइन भी इससे बरामद की गई। मुकेश कुमार जरा 90 ग्राम है, ये सुजानपुर तो छन्नी हवेली नूं लैन जा रहा सी। जिहड़ा जावेद ते इह जिहड़ा लड़का मुकेश इस जप्पू, ये जेल दे विच दोने जिहड़े बंद सी उत्थे इहनां दी मुलाकात दे दौरान 2 महीने पहलां ये दोने बेल आउट होए। उस तो बाद जेल तो बाहर आने तो बाद जावेद नाल कंटैक्ट किया फोन पर। उरे हुण तक 3 जिहड़ी डील्स सक्सैसफुली जिहड़ी आ छन्नी हवेली दे चुका सी। असीं इहनां दे विच इनफॉर्मेशन आउण ते डिवेलप कीते सोर्सिस अपने, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਬਰੋਲ ਨਗਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਰ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਰੋਪੀ? ਸਰ ਰੋਪੀ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਇਹ ਰੋਪੀ ਠੱਠੂ ਵਾਲ ਖੜਕਣਾ ਜਾਂ ਨਰੋਟ ਜਮਲ ਸਿੰਘ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਆ। ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਿਆਂ 'ਚ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਬਦਨਾਮ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਚੋਰੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਦੱਸ ਦਿਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੱਸ ਕੇ ਲਈ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੱਸ ਪਰ ਲੇਟੈਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਔਰ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣੇ ਕੇ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੇਂ, ਲਾਈਕ ਕਰੇਂ, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।